नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो नवोदय के जो फॉर्म है कक्षा 6 के लिए प्रवेश 2024-25 के आवेदन शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे ताकि ये फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप हो सके, फॉर्म भरने के बाद अपन कैसे चेक कर पाएंगे कि फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है, रिजल्ट कब आएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी आपको वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं डिजिटल सेवा उद्यमी सिंह यूट्यूब चैनल। हम आपको इसी तरह की वीडियो हम आपको इसी तरह की जानकारी हर वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कि फॉर्म को किस तरह से आपको भरना है दस्तावेज एंड कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो हम ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद में हम देखते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2023 है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो है उसकी अभी कोई डेट नहीं दी गई है, एग्ज़ाम की डेट भी नहीं दी गई है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको एक फॉर्म है जो कि फॉर्म को प्रिंट करवाना है ई मित्र सेंटर से। फॉर्म को पूर्ण तरह फिलअप करके फ़ोटो लगा कर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या तीसरी क्लास और फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास में जहाँ जहाँ आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उनसे ये फॉर्मेट तैयार होगा। फॉर्मेट तैयार होने के बाद आपकी बेसिक डिटेल डलेगी इसके अंदर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जन्मदिनांक, पिता का नाम, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इसमें फ़ोटो अटेस्टेड होगा। इसके बाद में पेरेंट्स सिग्नेचर होंगे, खुद के स्वयं विद्यार्थी के सिग्नेचर होंगे, और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद स्कैन होगा। फॉर्म स्कैन होने के बाद आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके अलावा और कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसको भी हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको ले चले हैं नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 10 अगस्त 2023 है, और इससे पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जो अभी बताया उस प्रिंट फॉर्म को प्रिंट करना है, प्रिंट करके अपने जहाँ विद्यालय में अध्ययनरत है वहाँ से आपको फिलअप करवाना है, सिग्नेचर करवाने हैं प्रधानाचार्य के, हेडमास्टर के, जैसे भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के हिसाब से। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि आपको ये जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट जो है अभी मैंने बताया था प्रिंट करके, उस पर हेडमास्टर के सिग्नेचर होंगे। फॉर्म को पूरी तरह भरवाना है आपको। इसके अलावा कैंडिडेट का फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, दोनों के सिग्नेचर लगेंगे पेरेंट्स और कैंडिडेट के। इसके अलावा बात करें तो आधार की डिटेल्स लगेगी, और अपने मूल स्थान निवास स्थान से संबंध में कोई भी दस्तावेज आप लगा सकते हैं, मूल निवास अपना या फिर आधार कार्ड जैसे। इसके अलावा बेसिक डिटेल फॉर्म के अंदर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसे कि ये सारी चीज़ इसके अंदर लगने वाली है। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल या जानकारी आपको लेनी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन का, और PDF भी या फॉर्म फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सवाल आपके मन में आता हो तो कमेंट करके आप जानकारी हमसे ले सकते हो। चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे नवोदय विद्यालय से संबंध में या फिर किसी अन्य जानकारी स्टूडेंट के हित में जो भी होगी हम वीडियो के माध्यम से डालते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम इसके अंदर कितने क्वेश्चन, और एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन का एग्ज़ाम लगेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस चीज़ के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, कितने टाइम का होगा। इसके लिए हम बात करते हैं कि जो मेंटली एबिलिटी है वो 40 नंबर की रहेगी, 50 मार्क्स रहेंगे, 60 मिनट मिलेगी आपको। इसके अलावा अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे, 30 मिनट आपको समय मिलेगा इसके लिए। इसके बाद लैंग्वेज जो टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा। इस प्रकार से आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर्स के रहेंगे, 2 आवर्स का आपके लिए टाइम रहेगा। ये वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए अगली जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी, आगे की जानकारी। ये क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग के हैं, मैथ्स के हैं, और भी मेंटली टेस्ट, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन है इंग्लिश के, और ये सब इनकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दी जाएगी।